नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन। आज और मैं हूँ आपके साथ दीपिका राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम महाकाल मंदिर पहुंची। मंदिर विस्तारीकरण की खुदाई में पुरातत्व अवशेष मिले, जिसकी जांच रिपोर्ट तैयार की गई। खुदाई में मिले शिलालेख और अवशेषों की जांच करने मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम उज्जैन पहुंची। मंदिर पहुंचकर टीम ने खुदाई में मिले अवशेषों की जांच की। आपको बता दें कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण को लेकर मंदिर परिसर में खुदाई चल रही है। वहीं खुदाई में मिले शिलालेख और पिलर 1100 से 1300 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। खुदाई में मिले अवशेषों की जांच करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रदेश के संस्कृति विभाग को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद बुधवार को मध्य प्रदेश पुरातत्व संरक्षण की टीम उज्जैन पहुंची। एक और यहाँ रही होगी। हाँ हाँ, वो दूसरा पैर कर रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं वो डीटीज के लिए ये दो पैर है। तो ये इसका मतलब त्रिभंग में है, एक पैर यहाँ आ रहा है तो एक या तो सर ये लोटस जैसा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये इस प्रकार की बनती है। जांच करने आए पुरातत्व अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि महाकाल मंदिर पुराना इतिहास रहा है और 1100 वर्ष पहले मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। उसके बाद अब जाकर मंदिर परिसर में निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसलिए खुदाई में मिले सारे अवशेष 1100 से 1300 वर्ष पुराने हैं। निरीक्षण के दौरान एक दीवार भी मिली है जो परमार काल के समय की है। प्रमुख सचिव संस्कृति एवं आयुक्त पुरातत्व के निर्देशों के परिपालन में पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया है और जिस निरीक्षण में जानकारी मिली है कि यहाँ पर 11वीं-12वीं शताब्दी का एक मंदिर था, विशेषकर उत्तर वाले पोर्शन में, जो उत्तर वाले पोर्शन में जो खुदाई चल रही है उसमें, और उसके अवशेष इधर उधर दबे हुए पाए गए हैं, जिसमें स्तंभ खंड हैं, शिखर के भाग हैं और रथ के भाग हैं, भारवाही कीचक हैं, ये सभी चीज़ें हैं। कुछ दिन पूर्व इसी परिसर में पास समीप ही यहाँ एक मंदिर की संरचना प्रकाश में आई थी, जिसे दबा दिया गया है और ये उसी मंदिर के हिस्से हैं जो इधर उधर फैले हुए थे, मलबे में दब गए हैं। और दक्षिण की तरफ एक 4 मीटर की गहराई पर, सरफेस से 4 मीटर की गहराई पर एक दीवार के अवशेष आए हैं, वो सुमकाल की दीवार है और वहाँ आसपास भी जो अवशेष हैं वो सुमकाल के प्रकाश में आए हैं। और अधिक गहराई पे जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ ऐसा पुरुष 6वीं के अवशेष मिले। और ये अवशेष इस परिसर के लिए नई चीज़ नहीं है, पूर्व में ही बाकणकर साहब को इस परिसर से सुमकाल के अवशेष मिल चुके हैं, जो कुंड के पास में खुदाई हुई थी, जहाँ वर्तमान में अंदर की तरफ कुंड है। तो ये पूरे कैंपस में ऐसा स्पष्ट होता है कि महाकाल मंदिर सुमकाल में अस्तित्व में था और यहाँ पर सुमकाल में भी निर्माण कार्य हुए थे।